1948 में राज कपूर द्वारा बनाया गया आरके स्टूडियो अब बिक गया है। जी हाँ, इस बारे में क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। क्या है ये खबर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। अब खबर सामने ये आ रही है और ये कंफर्म भी हो चुका है, अभिनेता रणधीर कपूर ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि जो कपूर खानदान की धरोहर थी आरके स्टूडियोज, वो अब बिक चुका है। जी हाँ, आपको जैसे कि बता दूँ और ये क्यों हुआ और आपको जिसको ना पता उसको मैं बता दूँ कि करीब 2 साल पहले 2017 में आरके स्टूडियोज़ में आग लग गई थी और जो आरके स्टूडियोज़ का मेन भाग था, जिसको मेन हिस्सा कहा जाता था आरके स्टूडियोज़ का, वो जलकर खाक हो गया था, उसमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद से ही कपूर खानदान ने ये फैसला ले लिया था कि वो अब आरके स्टूडियोज़ को बेच देंगे और उस 2017 से ही वो किसी ऐसे ग्राहक को खोज रहे थे कि जो आरके स्टूडियोज़ को खरीद सके और जो कपूर परिवार की धरोहर है उसका रख रखाव कर सके और कपूर खानदान की जो इससे भावनाएं जुड़ी हुई थी, वो चाहते थे कि कोई ऐसा समूह इस आरके स्टूडियो से खरीदे जिससे उनकी भावनाएं भी जुड़े। अब अभिनेता रणधीर कपूर ने खुद इस बात की जानकारी दे दी है कि जो उनका आरके स्टूडियोज था पूरे कपूर खानदान का, वो बिक चुका है। उन्होंने ये भी बता दिया कि ये आरके स्टूडियोज किसने खरीदा। तो मैं आपको बताता हूँ आरके स्टूडियो किसने खरीदा है। जी, आरके स्टूडियो खरीदा है गोदरेज समूह ने। गोदरेज समूह की जो प्रॉपर्टी का एक अलग फॉर्म है, उसने आरके स्टूडियोज को खरीद लिया है जो मुंबई में चेंबूर में स्थित है और ये 33,000 वर्ग फीट में ये आरके स्टूडियो स्थित है। अब खबर ये है कि जो गोदरेज कंपनी है वो यहाँ पे अब काफ़ी मल्टीनेशनल फ्लैट्स बनाएगी और उन फ्लैट्स को बनाकर सेल करेगी। इस बात की जानकारी खुद रणधीर कपूर ने दी और रणधीर कपूर ने कहा कि जो हमारे परिवार की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति इसको खरीदे जो इसको सही प्रकार से यूज़ कर सके, और क्योंकि हमारे परिवार की जो भावनाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 1948 में राज कपूर ने इसको ओपन किया था, फिल्मी जगत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्टूडियो खोला था कि जहाँ पर फिल्में शूट हो सके, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी हिट फिल्में भी उन्होंने शूट करके दी हैं। पर अफसोस की बात यह है कि अब कपूर खानदान के हाथ से आरके स्टूडियो की चाबी चली गई है, वो चाबी अब पहुंच चुकी है गोदरेज समूह के पास। अब बात की जाए आरके स्टूडियोज़ में कपूर खानदान को लेकर, तो आखिरी बार 2018 में कपूर खानदान ने यहाँ पर गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार था वो यहाँ पर मनाया था, उसके बाद से कोई यहाँ दिखा नहीं। उसके बाद से जोर शोर से सभी लोग इस ग्राहक की खोज में लग गए थे। अब ये देखना होगा कि आरके स्टूडियोज को किस प्रकार गोदरेज डेवलप करता है और वहाँ पर किस प्रकार से कैसी बिल्डिंगें खड़ी करता है। इस बारे में हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।